हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मेरा एग्जाम है, तो मैं एग्जाम वाले डे ही वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि बाहर जाने मिलते हैं। वैसे तो मैं घर पे ही रहती हूँ, अभी कहीं जाने रही हूँ तो इसी बहाने बाहर निकलना होता है, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 8:10:30 और 11 बजे मेरा एग्जाम है। मेरे पास मतलब सिर्फ 15-20 मिनट ही है कि कॉलेज पहुँच जाऊँ फटाफट। मैं जल्दी से जाती हूँ, कॉलेज पहुँचती हूँ, क्योंकि आज मेरा एग्जाम है, फोर्थ डे ऑफ एग्जाम है मेरा। तो चलो जल्दी से चलते हैं कॉलेज, और हम रेडी हो चुके हैं। मैं इसी गेटअप में जाने वाली हूँ। एक्चुअली बैग वैग तो मैं हैंग करती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बैग वैग हैंग करना, इसलिए फिर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो वैसे भी क्या ही ज़रूरत रहता है बैग वैग का, सिर्फ दो पेन ले जानी रहती है लिखने के लिए, हो गया। और क्या रहता है, और तो कुछ नहीं ले जाना पड़ता, सिर्फ दो पेन में काम हो जाता है, पूरा पेपर लिखा जाता है दो पेन में। पता नहीं लोग इतना भारी भारी बैग लेकर क्यों निकलते हैं घर से। एक तो हैंग करना, प्लस शोल्डर पेन हो जाएगा, उससे अच्छा है कि अपना नॉर्मल ये वाला पर्स यूज़ कर लो और इसी में डाल दो पेन और चलते बनो, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं। और वैसे भी कॉलेज वाले कुछ अलाउड करते ही नहीं है ना, पानी बॉटल, पानी भी वहाँ पे साइड पे रख देते कि ये लो पानी पी लो, तो पानी बॉटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग साइड पे पानी रख देते हैं। और किस चीज़ की ज़रूरत, और पेन, मैं पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, फलाना ढिमकाना पेन, वो सब मैं यूज़ करती नहीं, मैं सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करती हूँ। ब्लू पेन से पूरा पेपर लिखती हूँ, मेरे को सजा के लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल सजावा जाके नहीं लिखती। मेरे को लिखना मैटर करता है मेरे लिए, कि तुमने कॉन्टेंट लिखा है, मतलब जो भी है उस सिलेबस का वो तुमने लिखा है, बस वही इंपॉर्टेंट है। बाकी सजा के लिखना वो तो जिनको ज़्यादा मार्क्स चाहिए वो लोग लिखते हैं, मैं नहीं सजाती, मुझे टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब जल्दी से चलते हैं एग्जाम के लिए, बहुत लेट हो रहा है, फास्ट। तो मैं अभी कॉलेज पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, मुझे फटाफट अपनी क्लास से पहुँचना पड़ेगा, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो जल्दी चलते हैं कॉलेज। अच्छा, मैं आपको इसकी स्टोरी बताने वाली थी ना, ज़रूर बताऊँगी, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, आप देखना ना भूलें मेरा नेक्स्ट व्लॉग, मैं उसमें आपको स्टोरी ज़रूर से बताऊँगी। ये पूरे दिग्विजय कॉलेज की बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इनके राजा की। तो अब क्लास में चलते हैं फटाक से। ये ग्राउंड है, अभी खाली खाली लग रहा है, मोस्ट ऑफ द बैड लग रहा है। जल्दी चलती जाओ, चलते जाओ, आज का तो वेदर ही कुछ अलग ही बात कर रहा लग रहा है, देखो ना आसमान। चलो जल्दी, ओ माय गॉड, इसके बाल कितने लंबे थे। चलो क्लास में पहुंचो जल्दी, मैम भी आ चुकी है और हम अपना बैग यहाँ पर। फाइनली मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छी गई है, मैं अपने टाइम से पहले निकल गई हूँ, 2 बजने अभी टाइम है थोड़ा सा और मैं निकल चुकी हूँ। मैं साइलेंसर बच जाएगा, टाइम ऑफ कॉर्ड सब यहाँ पर निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे अपना एग्ज़ाम देने के बाद। तो चलो अब हम जल्दी से आयुषी का वेट करते हैं, वो भी क्योंकि निकलेंगे वहाँ पर जाके खड़े होंगे और आयुषी का वेट करेंगे, लेट्स गो। ये भीड़ देख रहे हैं निकलने की सबकी, सब एकदम इंजॉय करते हुए निकल रहे पेपर। चलो हम भी चलते हैं। अब वेदर देखिए आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है आज, हो सकता है शाम को बारिश होए, पूरा बादल आ चुके हैं, और ये ट्री और ये बादल कितना ऑसम व्यू लग रहा है, ओके नाइस। और ये मेरी कॉलेज है, कॉलेज। तो गाइज मैं अभी घर आ चुकी हूँ और मुझे क्या मिला है मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि आज मुझे कौन सा नया सरप्राइज मिला है, वेट एंड वॉच। तब तक मम्मी से मिलो। हेलो मम्मी, कैसे हो? ठीक है, अच्छा, बढ़िया है। कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। नहीं, ये को कहाँ से लाई सरप्राइज? सरप्राइज आपके जस्ट पीछे रखा है, आप देख सकते हैं, दिखाओ दिखाओ सरप्राइज क्या है। आप खोलो ना, आप ही खोलो, चलो इसका आप अनबॉक्सिंग आप करो ना इसका, ये मिला है सरप्राइज। मम्मी की शक्ल देखो, कैसा लगा सरप्राइज? यार मेरे को तो खाली लग रहा है। तो खोलो, ये तो पता चलेगा ना। और संतोषी दीदी कैसे हो? ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो मस्त, जल्दी खोलो, यहाँ पे रखना, फिर खोल के क्या हो सकता है देखते हैं। मम्मी कर रही है अनबॉक्सिंग इस बॉक्स का, और मम्मी को बहुत मेहनत लग रही है इसे खोलने में, है ना मम्मी? और मम्मी को तो बार बार यही लग रहा है कि कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी बोल रही कहीं वो सच भी हो सकता है कि शायद इस बॉक्स में कुछ ना हो, और मैं जो कह रही हूँ क्या पता वो भी हो सकता है कि शायद कुछ इसमें हो। आपका क्या राय है? मेरे को भी लग रहा है अनबॉक्सिंग खाली है कि है कुछ? ये देखो, ये झिल्ली आई है हाथ में, अब मम्मी इसे खोलो झिल्ली को, और टप टप टिप टप टिप करो, ऐसा कुछ बॉक्स था। ये बिल है, और मम्मी इसे खोलो, क्या हो सकता है इसमें, क्या लग रहा है आपको ऐसे देखने पे? हाँ पता है। जल्दी खोलो, क्या हो सकता है? कान कहाँ घड़ी है?
तो ये है एक चीज, इसे क्या के नहीं मिली अंगूठी है। हाँ करेक्ट, सही पहचाने हैं, अंगूठी है ये। जी हाँ, दिस इज अ रिंग। देखो कितनी सुंदर लग रही, मस्त डोली वोली बनी हुई है, दुल्हन अंदर बैठी है अंगूठी में। कैसी लगी? अभी देखी नहीं हूँ तो कहाँ से बोलूँगी। जल्दी देखो और आपका एक्सप्रेशन हम नोटिस करेंगे। उसके पैकेट को भी ओपन करो, ओपन इट। आदमी मोटी अंगूठी पहन के कहाँ जाए? आप अपने हाथ में एक बार पहन के ट्राई। अरे वीडियो बनेगा ना, मस्त लगेगा ना, सबको पता चलेगा कि मीशो से मंगाया गया है ये ऑर्डर, तो कैसा आया है। मम्मी की साड़ी वापस करके ले गया मीशो वाला। मैं आज पूछी उनसे कि कैश ऑन डिलीवरी होती है कि नहीं, तो मम्मी उन्होंने पता है क्या बोला, होती है। ये देखो मम्मी का हाथ, ओ वाओ सो ब्यूटीफुल। देखो दुल्हन मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मेहंदी है रचने वाली, देखो मेरी मेहंदी कैसी आई है, ये मैंने लगाई है, मुझे सिर्फ इतना ही लगाने आता है और कुछ नहीं आता। इसे अभी मैंने ट्राई किया है, कैसा लग रहा है ये, हाउस इट। देखो इस वाले स्ट्रक्चर के साथ कैसा लग रहा है, वाओ कितनी सुंदर रिंग है यार, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, वाओ कितनी सुंदर लग रही। देखो मुझे यही गाना याद आ रहा है इस रिंग को देख देख के बार बार। देखो दुल्हन बनी है, दुल्हन जा रही है, सो ब्यूटीफुल। आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ती है मीशो में। मीशो में अभी सेल चल रहा है तो मैंने भी सेल में ऑर्डर किया, तो ये मुझे मात्र और मात्र 70 रुपीज़ में पड़ी है ये रिंग। यस 70 रुपीज़ की, नो कॉस्ट ऑफ एनी, यस ओनली ऑन 70 रुपीज़। डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे मुझे इसमें, बहुत ही अच्छे रेट में मिल गई। वरना मोस्ट ऑफ द रिंग मेरी, मैंने जो जितना भी सर्च किया था उसमें सब में बार बार जितनी भी रिंग मैं देख रही थी मुझे सब में बार बार ना 169, 191, 181, 186, मतलब जितनी भी रिंग थी वो 150 प्लस ही थी। और ये रिंग एक मतलब ऑफर में जब मैं देखी तो ये वाली रिंग ऐसी थी जो 70 रुपीज़ में पड़ी, और मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी इसलिए मुझे 70 में पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करने पे वो रेट कम हो जाता है। हाँ तो आप लोग भी ये ट्राई करना मीशो में। जी हाँ मीशो, मैं मीशो का प्रमोशन कर रही हूँ, देख रहे हो पैसे भी नहीं मिल रहे प्रमोशन क्या करना, मतलब ऐसे ही कर रही हूँ प्रमोशन जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे अच्छा लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर चाय बन रही है, हमारे पापा श्री बना रहे हैं चाय, सॉरी पिताश्री पापा श्री। अब चाय बनेगी फिर हम पियेंगे। और अभी जस्ट मैंने देखा यहाँ पर, देखो पत्ता गोभी, ये ग्रीन कलर की तो आप सब देखे ही थे, मैंने भी देखी थी। पर्पल मैंने सुना था बट आज पहली बार मैं देख रही हूँ पर्पल पत्ता गोभी। देख रहे हो पर्पल कलर की भी पत्ता गोभी होती है, ओ माय गॉड, दिखने में तो सुंदर है, इसका टेस्ट कैसे होगा पता नहीं। हमारे घर में दो दो पत्ता गोभी आ गई है, ग्रीन और पर्पल। हमारे घर पर क्या बना है, ये है मिक्स वेज और रस मलाई की मस्त मिठाई जो भूमिका दीदी अभी खा रही है, और वो रोटी के साथ खा रही है। और यहाँ पर ये मिठाई, और ये मिठाई का डब्बा खाली हो गया क्योंकि हम सब खा लिए, आपके लिए रखे हैं खाली डब्बा जो कि आप खा लो। और ये है दही बड़ा जो कि भूमिका दीदी खा रही है, मेरे लिए रखा हुआ है क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। हिचकिया रही है, कौन याद कर रहा तुझे, कोई तो याद कर रहा। और ये है पानी, लो पानी पी लो, गुस्सा ठंडा करो, हंसी आ रही है इसे तो हंस लो। तो हमारे यहाँ ना एक गाय है जिसका ना पैर टूट गया है, हड्डी बार गई। यार लोग देख के गाड़ी क्यों नहीं चला सकते, मैं ये बोलती हूँ ठीक है, जो भी हो तुम इंसान हो, तुमको तो दिख रही है ना चीज़ें, तो तुम क्यों नहीं देख सकते हो, देख के भी अनदेखा कर देते हो। तो किसी गाड़ी वाले ने ना हमारे घर की गाय के ऊपर से ना ऐसा बाइक चला या गाड़ी जो भी होगा तो चला लिया, जिससे उसका पैर जो है वो हड्डी सहित टूट गया है पूरा पैर। तो अभी वो सब चल रहा है वहाँ पर, हमारे यहाँ आए हैं कुछ लोग, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि डॉक्टर को हमने बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा तो वो सिर्फ 3 पैरों से ही चलेगी, तो वो पैर अब कोई काम का नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। लेकिन कुछ लोग जो है जो बोलते हैं ना गाँव के जी, मतलब डॉक्टर्स कभी कभी हाथ छोड़ देते, तो कभी कभी ना गाँव के लोगों के पास ज़्यादा दिमाग होता है, वो लोग अलग ही ट्रीटमेंट बताते हैं जिससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो उन्होंने बोला कि ये सब दवाई आयुर्वेदिक चीज़ है, कुछ कुछ लेकर आओ जड़ी बूटी टाइप,
उसका लेप लगा रहे हैं, तो हमने उसका लेप लगा रहे हैं गाय को, जिससे उसकी हड्डी जुड़ जाए, उसको रिलीफ मिले और पैर काटने की नौबत ना आए। और प्लीज़ मेरा जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये ज़रूर याद रखें कि प्लीज़ गाड़ी देख कर चलाओ प्लीज़, क्योंकि यार वो बोल नहीं सकते यार। एनिमल्स जो होते हैं ना, कोई भी एनिमल, मैं सिर्फ गाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ऑफ एनिमल की बात कर रही हूँ, ये सारे एनिमल्स ना बेजुबा होते हैं, तो एटलीस्ट उनकी ना कदर कर लो थोड़ी सी। वो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बर्दाश्त करने की उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो बता नहीं सकते किसी को कि हमें कितना पेन हो रहा है। इंसान को इतना सा भी खरोच होता है तो 10 लोगों को घर में बताएगा कि मेरे को कट गया कट गया कट गया, आज मेरे को लग गया लग गया लग गया। अपने फ्रेंड अपने आसपास पड़ोसियों को जाके बताएगा कि मेरे को लग गया लग गया लग गया। तो भैया तुमको लग गया, तुमको दर्द हो रहा है, वो तुमको दिख रहा है, लेकिन उस जानवर का क्या जिसको दर्द हो रहा है। और मैं ये बोलती हूँ, अगर किसी के आसपास कोई भी ऐसा कुछ दिखता है, किसी भी एनिमल को इतनी सी भी खरोच है कुछ भी है, तो प्लीज़ उसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं, ऐसे ही मत छोड़ दो प्लीज़। हाँ, ये बात मेरी एकदम दिल से आपके लिए है, प्लीज़ इसे फॉलो करें। ये है वो गाय जिसके पैर में प्रॉब्लम है, ये देखो ये जो पैर है ना ये टूट गया है, तो अभी कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन वो पैर अब नहीं रहा सा लग रहा है, क्योंकि पूरा लटक चुका है। भगवान इन लोगों को इतनी शक्ति देता है, थैंक्स टू गॉड, और इन्हें और शक्ति दो भगवान और ज़्यादा, कि लोग अपने लिए लड़ सके। और आप लोग को मैं क्या बताऊँ, मेरा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये आपने मुझे देखा होगा, ये मैंने अभी अभी लेटेस्ट खरीदा था, देन मैंने अभी जस्ट एक प्रोग्राम में गुजरात में पहना था, ये मुझे टाइट हो गया। हाँ, ओ माई गॉड, मैंने इतने सारे कपड़े निकाले और सब टाइट हो गए, मैं मोटी हो गई हूँ, ऐसा इस कपड़े ने मुझे बताया है। बाकी आप लोग को पता कि देखने वालों को तो मैं मोटी लगती नहीं हूँ, मैं पतली सी लगती हूँ, सुखड़ी टाइप। इन लोगों ने मुझे बताया कि मैं मोटी हो चुकी हूँ, तब जाके मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया। ये देखो, ये ड्रेस मैंने वेयर किया क्योंकि मेरी कथक क्लास में मुझे जाना है, तो कथक में इसी टाइप के ड्रेसेस चलते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये पहना है। तो चलो जल्दी से चलते कथक क्लास, बाय बाय, ट्विंग ट्विंग। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ मैं अभी घर, और अब जल्दी से हम अपना डिनर फिनिश करते हैं, और मैं यहीं इसी के साथ अपना व्लॉग यहाँ पर ऑफ करती हूँ। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं वीडियो भी यहीं पे ऑफ कर रही हूँ, अब ना हो पाएंगा हमारे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।